वीडियो की शुरुआत हो गई है और मैं यहाँ पुस्तकालय में किताब पढ़ने में व्यस्त हूँ। जैसे कि कभी कभी हम खेलने में व्यस्त होते हैं, कभी कभी हम टीवी देखने में व्यस्त होते हैं, या फिर कभी हम अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ाने में भी व्यस्त होते हैं। तो बच्चों, हमारे जीवन में किताब का कितना बहुमूल्य काम होता है आज हम देखने वाले हैं। आओ तो फिर हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। आप सभी मुझे जानते हैं, संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल की तरफ से मैं प्रज्ञा यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। कक्षा दूसरी विषय हिंदी, विषय हिंदी में आज हम एक कविता देखने वाले हैं जिसका नाम है किताब। और वो कविता पूरी तरह से किताब हमारे जीवन में किस प्रकार का काम करती है यह बताती है। आओ तो फिर उस कविता की तरफ चलते हैं। सारी चीजों से प्यारी होती है किताब, उलझे उलझे हर सवाल का देती है जवाब। सारी चीजों से प्यारी, सारी चीजें, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पेन होता है, पेंसिल होती है, और बहुत सारे टॉयज होते हैं, गुड़िया होती है, और कुछ कुछ और नई चीजें होती है। पर हमारे सबसे चीजों में अगर कुछ प्यारा होता है तो क्या है? किताब है। वो क्या चीज है? किताब है। उलझे उलझे हर सवाल का देती है जवाब। जैसे कि कभी कभी हम उलझन में पड़ जाते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो हमें उनके जवाब पता ही नहीं होते हैं, उन सारे सवालों का जवाब अगर कोई देता है तो वो होती है किताब। सारी चीजों से प्यारी होती है किताब, उलझे उलझे हर सवाल का देती है जवाब। इसको पढ़कर बन जाता है मूर्ख भी विद्वान, इसको पढ़कर बन जाता है मूर्ख भी विद्वान, अनपढ़ शिक्षित हो जाता है पा लेता है ज्ञान। इसको पढ़कर, इसको मतलब किताब को पढ़कर मूर्ख भी क्या हो जाता है? विद्वान हो जाता है, और अनपढ़ क्या हो जाता है? शिक्षित हो जाता है। जिसको कुछ पढ़ना ही नहीं आता है, लिखना ही नहीं आता है, ऐसे ही लोग क्या हो जाते हैं? शिक्षित हो जाते हैं, और वो क्या कर लेते हैं? ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसको पढ़कर बन जाता है मूर्ख भी विद्वान, अनपढ़ शिक्षित हो जाता है पा लेता है ज्ञान। कोई छोटी कोई मोटी होती है किताब, कोई कठिन तो कोई सरल होती है किताब। तो बच्चों, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि कुछ किताबें छोटी होती है तो कुछ किताबें मोटी होती है। हमारे पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें थी, ऊपर से देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये छोटी है, और कुछ किताबें देखने से हमें लगता है ये तो बड़ी है, पर उनके अंदर की जानकारी यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई कठिन तो कोई सरल होती है किताब, कुछ किताब ऐसी होती है जिनकी भाषाएं थोड़े कठिन स्वरूप से होती है, तो कुछ किताबें ऐसी होती है जिनकी भाषाएं सरल स्वरूप से होती है। जो किताबें सरल स्वरूप से होती है वह हमें पढ़ने में बहुत ही मजेदार लगता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने किताब यह कविता लिखी, और इस कविता में हमें यह सीख मिली कि अगर हम हमारे जीवन शैली में किताब पढ़ने यह आदत अपनाते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो बच्चों, ऐसी ही कुछ नई कविता मैं फिर से लेके आऊंगी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाओ।